नहीं चिंता करते हैं, बस बच्चों से घर भरते हैं। परिवार बढ़ाने वालों को ये होश कहाँ, ये ध्यान कहाँ, दिन रात बढ़ेगी आबादी तो जाएगा हिंदुस्तान कहाँ, दिन रात बढ़ेगी आबादी तो जाएगा हिंदुस्तान कहाँ। पुत्र न जब तक पैदा हो पूरे होते अरमान कहाँ, दिन रात बढ़ेगी आबादी तो जाएगा हिंदुस्तान कहाँ, दिन रात बढ़ेगी आबादी तो जाएगा हिंदुस्तान कहाँ। आप आ गए। हाँ भगवती आ गया। बाहर की जगमगाती दुनिया छोड़ के आ गया इस अंधेरी गुफा में। जिंदगी में तो अंधेरा था ही, घर में भी छा गया। क्या बताऊं बिंदिया के बापू, बिजली वाले बाबू को तुम्हारी बेटियों ने कितना समझाया पर वो बिल्कुल नहीं बसीजा, और बिजली काट के चला गया। क्यों? कैसे नहीं कटेगा बापू, 3 महीने से तो बिजली का बिल नहीं दिया। कल भर दूंगा बेटा, कहीं से भी इंतजाम करके कल भर दूंगा। बाबा आप एक सिगरेट दो बार पीते हैं क्या? हाँ बेटा, और जो हालात चल रहे हैं ना, लगता ये भी छोड़नी पड़ेगी, अब तो ये भी नसीब नहीं होगी। बाबा चाय। अच्छा बेटा, अच्छा थैंक यू। अरे बेटा चाय में शक्कर डालना भूल ही गई। भूली नहीं बाबा, शक्कर खत्म हो गई है, जब आप पैसे दोगे तब आ जाएगी। पैसे? अरे हाँ, वो पैसों से याद आया मुझे भी, वो कहाँ रखे। ये ले भागवती, इस महीने की पगार 800 रुपये। सिर्फ 800 रुपये? लेकिन बिंदिया के बापू आपकी तनख्वाह तो 1800 रुपये है। हाँ है तो सही, पर इस बार मकान का किराए वाला, दूध वाला, बनिया सब अपना अपना पैसा लेने के लिए फैक्ट्री के दरवाजे पर ही पहुंच गए। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सेठ पूरनमल वहानी आधम का, जिससे हमने 10,000 रुपया कर्जा ले रखा है, अगर कहीं वो अपने सूद की जिद कर बैठता तो घर में एक कौड़ी ना पहुंचती। लेकिन बापू सिर्फ 800 रुपये में पूरे महीने का खर्च कैसे चलेगा, 20 रुपये की तो माँ की दवा ही आती है। और बाबा इस महीने कॉलेज के लिए आप मुझे एक
नई ड्रेस भी सिलवाने वाले थे ना बाबा, आपने वादा तो किया था। सुनिए, अब से मेरी दवा बन। माँ क्या बात करती हो? नहीं माँ, तुम्हारी दवा जरूर आएगी, चाहे किसी को कुछ आए या ना आए। भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम्हें हार्ट ट्रबल है। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। ये ले बिंदिया बेटी, ये रुपए रख ले, घर का खर्च तो तुझे ही चलाना है ना। नहीं माँ, मैं रुमाल को खींच तान कर साड़ी नहीं बना सकती। अरे बिंदिया, क्या हो गया इसे? लड़की जब सियानी हो जाए और उसकी शादी ना हो तो इसी तरह चिड़चिड़ी हो जाती है। बेटी लक्ष्मी। क्या बात है माँ? बेटी ये रुपए रख ले। बेटा 800 हैं। लेकिन माँ इतने थोड़े से रुपयों में क्या क्या खर्च करूंगी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा माँ। अभी तो रख ले। हे भगवान, पता नहीं कब अपने दिन फिरेंगे। इस सारी मुसीबत की जड़ मैं हूँ और मेरी जहालत है। माँ और बापू आप दोनों चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो मुझे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी और हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मंदिर का बहाना करके मैं घर से आई हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। देखो अगर तुम चली जाओगी तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। जी जान जाए तुम्हारे दुश्मनों की। नहीं कमल, ये सब शादी के बाद। शादी? कमल देखा ना, शादी का नाम सुनते ही घबरा गए ना। मैं शादी से नहीं घबराता बिंदिया। तो फिर मेरा बस चले तो मैं अभी शादी कर लूंगा, मगर शादी के बाद तुम्हें खिलाऊंगा क्या? हवा? 2 बरस से ऑफिसों के चक्कर काट रहा हूं, कमबख्त नौकरी मिलती ही नहीं। नौकरी का क्या है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, इसमें निराश होने की क्या बात है। देखो मुझे देर हो रही है, माँ और बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो, मैं जाऊं। थैंक यू, बाय बाय। हाय कसम धंधे की उस्ताद, इस परी को तो देखो, रोज बनिए की दुकान पर आती है। तेरे जात का बटाटा मारूं, मेरे एक कस्टमर के साथ बैठ गई तो मैं मालो माल हो जाऊंगा। ये क्या धंधे की खोटी ना करो देवी जी, सामान तो लिया 170 रुपए का, पकड़ा रही हो सिर्फ 100 रुपया। बाकी के 70 रुपए पहली तारीख को ले लेना सेठ जी। माफ करना देवी जी, तुमसे ये 70 रुपए वसूल करने में 4 पहली तारीखें निकल जाएंगी। भूल गई क्या पिछला हिसाब चुकाने में तूने मारे को कितना रखड़ाया था? ला ये घी का डब्बा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा ना करो सेठ जी, डालडा घी नहीं होने से सब्जी कैसे बनेगी? पानी में पका ले, जेब में रोकड़ा नहीं है, चली है डालडा घी खाने। ठहरो सेठ जी, ये 100 का नोट पकड़ो और डालडा घी के पैसे काट लो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? देवी जी इंसान ही इंसान के काम आता है। कसम धंधे की उस्ताद, क्या दाना डाला है। अपुन का नाम गोपाल है मैम साहब, आपका? जी मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन आप मुझको दर दिन आपको इस बाजार में आते हुए देखता हूँ। वो क्या है कि अपना धंधा भी इधरी है ना। क्या धंधा है आपका? मेरा एक धंधा हो तो बताओ, मेरे तो कई धंधे हैं मैम साहब। जी मैं आपके सब रुपए वापस कर। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि आपको पैसों की काफी जरूरत रहती है। अगर आप मेरी बात मान लें तो मैं आपका बटुआ नोटों से भर सकता हूँ। लेकिन मुझे करना क्या होगा? बस कुछ नहीं, सामने वाले शराफत गेस्ट हाउस में जाकर किसी शरीफ आदमी का दिल बहलाना होगा, बस नोट खड़े हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कमीने, क्या तुमने मुझे कोई बाजारू लड़की समझ रखा है? तेरी जात का पटाता मारूं।
शुक्रिया। हाँ, टू द मैनेजर शर्मा ट्रांसपोर्ट 42 चेंबूर बॉम्बे 70। डियर सर, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट द अबव मेंशन्ड पार्सल नंबर 303 हैज बीन मिसप्लेस्ड। बॉस शी इज कमिंग। बॉस शी इज कमिंग। योर बिलवर्ड इज वेरी लवली। योर बिलवर्ड इज वेरी लवली। आगे बढ़। तुमने ये सब टाइप कर दिया? हाँ। तो और क्या करता? कमाल है यार, इसे मिटा दो, मिटा दो। क्यों? वो देखो कौन आ रहा है। हाँ। आशा। बॉस, आज शर्माना नहीं और अपने दिल की बात मेरी होने वाली भाभी से कह ही देना। हाँ, कह दूंगा, कह दूंगा। हेलो अरुण। हेलो आशा। प्लीज इसके 3 कॉपी टाइप कर दीजिए। मुझे आज इंटरव्यू देने 3 जगह जाना है। हाँ, क्यों नहीं, तुम हाँ बैठो, ये स्टूल पे गंदा है थोड़ा। थैंक यू। बैठो। से कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। जी वो बात ये है कि रुक क्यों गए? जी वो मैं आपकी मां की तबीयत कैसी है? उनकी हालत पहले जैसी है, इलाज चल रहा है। लगता है किसी खटमल के बच्चे ने काटा है। ये आपकी एप्लीकेशंस। अच्छा ये बताइए, टाइपिंग के कितने पैसे हुए? मुझे शर्मिंदा मत करो आशा, ये मत भूलो कि कॉलेज में हम दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। भला मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लेकिन अरुण, ये तो तुम्हारी रोजी रोटी का जरिया है। अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं यहाँ फिर कभी टाइपिंग करवाने नहीं आऊंगी। ये लो। थैंक यू। हम अपना ग्राहक नहीं खोना चाहते। राजू, नोट वापस करो। मैं कहता हूँ नोट वापस करो। प्लीज आशा। अच्छा अरुण, चलती हूँ। You're welcome. Thank you. अच्छा, bye. तू जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा, ना तो उसे अपने दिल की बात कह सका और ना ही पैसे लिए। तू टोटल लॉस है। अरे क्या फोटो है यार। क्या करूँ यार, बिल्कुल समझ में नहीं आता। तुमने कभी एक दिन के अगर घर से चैप्टर पढ़ के नहीं आओ तो बस समझो क्लास का लेक्चर। अरे यार फोटो को छोड़, वो देख। ये वाला समझ आया? हाँ, ये वाला ना। हाँ, ये तो समझ में आया। अरे अरे कितने गंदे लोग हैं इस कॉलेज के, केला खाते हैं और छिलका रास्ते पर फेंक देते हैं। चल उठ। ज्योति, क्या हुआ? लगता है मेरी स्कर्ट की सिलाई खुल गई है। हाँ?
डोंट वरी, मेरे पास सुई धागा है, झाड़ियों के पीछे जाके सी लेंगे। चलो। अरे विनोद। हाँ माँ। तुम अब तक कॉलेज नहीं गए? बस जा रहा हूँ, जरा होमवर्क कर रहा था। अच्छा, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, जाओ ऊपर नाश्ता कर लो। अच्छा माँ। अरे ओ महारानी, क्या तेरे हाथों में ताकत नहीं है? मेरी पिछली नौकरानी तो फर्श को आईने की तरह चमका देती। अभी कर देती हूँ मालकिन। चल रहने दे, ये बामले मेरे सर पे लगा दे। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, तब निकला जा रहा है। इतना अच्छा बाम है, लगाते ही सर का दर्द गायब हो गया। अच्छा सुन, मैं जरा बाहर जाके आती हूँ, तू अपना काम खत्म करके चली जाना। माँ के सर में भी तो कितना दर्द होता है, ये बाम उनके लिए कितना फायदेमंद होगा। घबराओ नहीं, मैं माँ को नहीं बताऊंगा कि तुमने बाम चुराया है। मेरी माँ के सर में बहुत दर्द होता है, वो बहुत बीमार रहती हैं। अच्छा? अरे रे रे रे। भगवान तुम्हारी माँ को जल्दी अच्छा कर दे। आइयो सालो कंठ लंगोट, खारी तो अरे मार तो तूने दिया मन्ने लाला पूरनमल जी। अरे क्या पूरनमल, पूरनमल कर रहा है, तने तो मेरा बना दिया चूरनमल। आप यहाँ भी पहुँच गए? हाँ जी, मन्ने तो लागे तेरे से पैसा वसूल करने के लिए तेरी फैक्ट्री के बाहर मन्ने बात में नहीं करनी पड़ेगी। आहिस्ता बोलिए आहिस्ता। क्यों, चोरी की है मैंने? अजी मैं जोर से बोलूंगा, ऑल इंडिया रेडियो की तरह बोलूंगा। निकाल मेरे पैसे, 827 रुपये 35 नए पैसे, खन खना खन। 870 पर परसों तो आपने सिर्फ 820 ही कहा था। हाँ जी, ऑटो में आने के 7 रुपए 35 पैसे के मेरा बाप छोगा मल देगा रे हैं? नहीं सेठ जी, पैसे तो सारे आपके मैं ही दूंगा, पर क्या करूं, मेरा आजकल हाथ बहुत तंग है। हाँ हाँ, देने के लिए थारो हाथ तंग है और लेने के लिए खुलो। लेकिन सुन ले रे, अगर मेरा रोकड़ा मन्ने नहीं पहुंचा तो मैं तेरे घर की कुर्की करवा दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ये जुल्म नहीं करना, मेरे घर की हालत बहुत खराब है सेठ जी, मेरी पत्नी बीमार है और मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। अरे 5-5 बच्चे के तूने लाला से पूछ के पैदा किए, और लाला की तिजोरी में दया नहीं, सिर्फ माली माल रह। और लाला दया करेगा तो माल चला जाएगा, अरे माल चला जाएगा तो तिजोरी खाली हो जाएगी, और लाला की जब मैयत होगी तो म्युनिसिपैलिटी वाले कुत्ते की तरह खींच के ले जाएंगे। नहीं नहीं लाला, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पे दया करो, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पर। मोहलत एक शर्त पे दूंगा, कि तू दोबारा मोहलत नहीं मांगेगा मेरे से। ठीक है लाला, बिल्कुल ठीक है, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी मोहलत नहीं मांगूंगा, कभी मोहलत नहीं मांगूंगा। ठीक है, आज की तारीख है कंठ लंगोट, 15 ने आऊंगो और पूरो हिसाब बराबर लेकर के जाऊंगो, नहीं तो एक
दो तीन, समझ गयो ना? समझ गया। हाँ आगे लिखो, आशा आई लव यू डियर आशा, आई लव यू। मगर राजू तुम उसे ये क्यों टाइप करवा रहा है? ये लव लेटर है। लव लेटर? हाँ लव लेटर। तू तो आशा से अपनी दिल की बात कह नहीं सकता। हाँ। उसे ये लेटर दे देना। चल 10 बार और लिख, आई लव यू आशा, आई लव यू आशा, आई लव यू आशा। लेकिन एक ही बात को बार बार क्यों लिखो? कमाल है, तूने हिंदी फिल्में नहीं देखी? उसमें तो हीरो हीरोइन एक ही लाइन को 10 बार माला की तरह जपते हैं। खैर मेरा क्या, आशा आई लव यू, आशा आई लव यू। देख वो आ रही है। आज तूने अगर ये लव लेटर उसे नहीं दिया ना तो मैं तुझे देख लूंगा। और अगर बेभाव के जूते पड़ गए तो खा लेना। 2-4 जूतों से इज्जत नहीं चली जाएगी अब... और 150 वो मारेगी नहीं। संभाल लेना, मैं चलता हूँ। अरे अरे राजू, हेलो अरुण। हेलो आशा जी, ये क्या है? ये वो ये नहीं, यहाँ नहीं, घर जाके पड़ेगा। क्यों? मैं तो इसे यहीं पढ़ूंगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मेरे जाने के बाद पड़ेगा। है ठहरिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, मैं इस चिट्ठी को यहीं पढ़ूंगी। पढ़िए प्रभु, बचाना। तो इसीलिए आप घर भागना चाहते थे? हाँ, नहीं नहीं I'm sorry, आशा। क्या सिर्फ सॉरी बोलने से तुम्हारा गुनाह कम हो जाएगा? आज के बाद मैं तुम्हारी दुकान पर कभी नहीं आऊंगी। प्लीज आशा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश की, इस चिट्ठी के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। नहीं आशा, ऐसा मत कहो। तुम इस चिट्ठी को भूल जाओ और जो हमारी पहले वाली दोस्ती थी ना उसे याद रखो बस। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारा ये जुर्म माफी के काबिल नहीं है। अरे, एक चिट्ठी लिखना क्या इतना बड़ा जुर्म है? नहीं। क्या? हाँ अरुण, तुम्हारी इस चिट्ठी से मैं नाराज नहीं हूँ। नाराज मैं इस बात से हूँ कि तुमने मुझे ये चिट्ठी लिखने में इतना समय क्यों बर्बाद किया। सच आशा, तो फिर तुम भी मुझसे प्यार करती हो? ओ आशा। जी सरकार। ओफ आशा, तो फिर इस प्यार को छुपा कर क्यों रखा, मुझे बताया क्यों नहीं? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब तुम लड़के हो के अपने प्यार को छुपाते रहे, मैं तो फिर भी लड़की हूँ। मैं तो इसी इंतजार में थी कि पहले तुम कहोगे। लो अब कह देता हूँ, आई लव यू आशा। अब तुम कहो, कहो ना। आई लव यू अरुण। हाय मेरे साथ।
15 में आऊंगो और पूरो हिसाब बराबर लेकर के जाऊंगो, नहीं तो 1, 2, 3 समझ गयो ना। 14 तारीख तो आज हो गई और लाला के पैसों का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। ऊपर वाले, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मां, अरे अभी तक आप सोए नहीं, क्या बात है? कुछ बात नहीं है, तुम सो जाओ। मैंने कभी आज तक आपको इतना परेशान नहीं देखा और आप कहते हैं कोई बात ही नहीं है, बताइए ना। कहा ना कुछ नहीं है। तुम इस मामले में मेरी मदद नहीं कर सकती। कल तक पूरन मल की 10,000 रुपए की रकम लौटानी है, बस वही चिंता खाए जा रही है। थोड़ी सी मोहलत और मांग ली होती। मोहलत खत्म हो चुकी है भागवती, कल शाम मोहलत का आखिरी दिन है। अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ तो लाला कुड़की ले आएगा, कुड़की। हे भगवान, अब क्या होगा? जो होने वाला है
वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ भागवती, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा मुझे। नहीं, अबे अबे मजो आज जो ले जग्गू, तेरे हाथों में बहुत ताकत है। अरे मैं कहूँ भुगतान जी जग्गी को आटो खा बे जग्गू। अरे लो जी सेठ जी, आपने कौन सी मेरे लिए स्पेशल चक्की खोल रखी है? मैं तो उसी चक्की काटना खाता हूँ जिसका आप मुझे खिलाते हो। अबे जग्गू, हाँ जी, आज को कार्यक्रम क्या रे? सेठ जी, आज का आपका कार्यक्रम ये है, आपका आज का कार्यक्रम ये है कि सबसे पहले कचहरी जावेंगे, वहां जाके उस लखपत राम के मकान की कुर्की का इंतजाम करावेंगे। छोरी छोरी, अरे साल दे, हेलो दादाजी, ये लो साल। लाला पुरनमल जी आप हैं? मैंने कहा लाला पुरनमल जी आप हैं? मैं पुरनमल हूँ, पर आप कौन हो? मेरा नाम बिंदिया है, मैं लखपत राम जी की बड़ी बेटी हूँ। सुना है आज आप हमारे घर कुर्की लेके आने वाले हैं। देखो बिंदिया रानी, जो लाला के पैसे नहीं देगा, लाला उसके घर कुर्की ही ले जाएगा ना। अजी कोई फूलों का हार तो नहीं ले जाएगा ना? हैं? भगवान के लिए हम लोगों पर दया कीजिए लाला जी। दया तो करेंगे ही, तू भी हम पे थोड़ी सी अपनी दया छिड़क दे। एक बात पूछूं, तेरा ब्याह हो गयो? अजी नंगे भूखे गरीबों की बेटियों का ब्याह कभी हो सकता है क्या? अरे रो नहीं, तेरा भी ब्याह हो जाएगा। क्यों जग्गू? हाँ लाला जी। अरे रे 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 रे, सुंदरी की आंखों में आंसू, लाला यही मार खा जाता है। अरे सुंदरी की आंखों में आंसू देखकर लाला का दिल फड़ 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 करता है। क्यों जग्गू? हाँ लाला जी। तू घबरा नहीं, तेरे घर कुर्की नहीं आएगी। जग्गू, हाँ, कुर्की के पेपर ले आ। अच्छा लाला जी। कुर्की भी नहीं आएगी, मकान भी नहीं जाएगा। पेपर क्या? पेपर पेपर कुड़की पेपर, कबाब में हड्डी, कुर्की के पेपर, कुर्की फड़ गई। लाला जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा बाजू बाजू जाना। लाला जी, अगर ये कन्या आपकी ललाइन बन जाए ना, तो मुझे मजे आ जाएंगे। ललाइन मेरी बनेगी और मजा तन में आएगा। माफ करना लाला जी, कहाँ आ रहा हूँ ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस खूसट बुड्ढे के लिए मेरी फूल जैसी बहन का हाथ मांगने की? ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो आशा देवी। शुक्र करो कि लाला जी तुम्हारी बहन का हाथ मांग रहे हैं, वरना 5-10 साल बीत जाने के बाद तुम्हारी बहन को कोई बुड्ढा तक नहीं पूछेगा। बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें धक्के मार मार के बाहर निकाल दूंगी। धक्का मारेगी तुमने? हाँ। अरे तुम सबकी जिंदगी के फुटबॉल ने ऐसो लात मारूंगो कि गोला वापस नहीं आवेगो। अरे इंटरनेशनल कर्जदार, तेरी इन कलियों के हाथ में भीख को चिप्पो देकर रोड पे खड़ा कर दूंगा। समाज के लोग इन कलियों ने मसल के फूल बना देंगे। बोल भागमती, तेरी छोकरी का हाथ मेरे हाथ में देवेगी कि नहीं देवेगी? अरे जालिम, मुझसे क्या पूछता है? तेरा देनदार मैं हूँ, तेरा कर्जदार मैं हूँ। मेरे बच्चे नहीं, मेरी गरीबी का फायदा उठाकर तू मुझे घर से बाहर निकाल देगा, मेरे बच्चों को भिखारी बना देगा, मुझे जेल भिजवा देगा, तो भिजवा दे जेल। लेकिन मैं अपनी फूल सी बेटी को
अंधे कुएं में नहीं धकेलूंगा, नहीं धकेलूंगा, ये शादी नहीं होगी, नहीं ये शादी होगी। विद्या बेटा, लाला जी आप जाइए और जाकर शादी की तैयारी कीजिए। ये बेटी, दीदी, माँ, ये बेटी, ये तूने क्या किया? मेरे होते हुए ना तो मेरा बाप जेल जाएगा और ना ही मेरी बहनें भिखारने बनकर सड़क पर भीख मांगेंगी। विद्या बेटा, ये शादी नहीं बर्बादी है, मेरे गुनाहों पे तू अपनी भली मत दे बेटा, अपनी भली मत दे। छूने चाहिए क्योंकि आपने हमसे शादी के लिए हाँ कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? अजी आपके लिए हमारे दिल में तो उसी दिन इज्जत बढ़ गई जिस दिन आपने अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। जो लड़की ये कर सकती है वो अपने पति के लिए कितना कर सकती है। धन्य हो देवी, धन्य हो। मुझे देवी कह के शर्मिंदा मत कीजिए, मैं तो दासी हूँ, पति की सेवा करना तो औरत का धर्म है। धर्म तो मेरा है जी, आज तो मैंने आपकी सेवा करनी है। मुझे शर्म आ रही है। शर्म? अजी जो करे शर्म उसके फूटे करम। इस उम्र में भी ऐस कर रहा है। लाटरी खुल गई लाला, तेरी तो लाटरी खुल गई, लगा रहा है लाला। ए,
लो, बैटिंग करने से पहले ही क्लीन बोल्ड हो गया। आंटी जी, जीती रहो बेटी, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद आई। हाँ आंटी, समय ही नहीं मिला। सपना, तो रोज से तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? क्या करूंगी कॉलेज जाकर, इम्तिहान में तो मुझे बैठना नहीं है। क्यों? बात यह है ज्योति, कि उसके कॉलेज की फीस के रुपयों का कुछ प्रबंध नहीं हो पाया अभी तक। माँ, तुम्हारी दवा का टाइम हो गया है, चल ज्योति, हम लोग भीतर चल के बैठते हैं। कॉलेज की फीस तुमने नहीं भरी, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अपनी परेशानियां मैं किसी को बताना नहीं चाहती। अच्छा तो सुन माँ, सपना दीदी की फीस कितनी होगी? 300 रुपए। हे भगवान, कहीं सपना का साल ना खराब हो जाए। ना बाबा ना, मैं ये काम नहीं कर सकती। देख सपना, मेरी बात मान ले, वरना तेरा एक साल खराब हो जाएगा। मैंने भी अपनी कड़की दूर करने के लिए एक बार ऐसा ही किया था। नहीं नहीं, ठीक है, तेरी मर्जी। सुन लड़की, तो तुमने अच्छी चुनी है ज्योति, आगे डांस के बारे में तुम खुद समझ लेना। सर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड, जाओ इन्हें मेकअप रूम में ले जाओ।
खानदान की इज्जत नीलाम करते हुए तुझे लाज नहीं आई? मुझे माफ कर दो, कॉलेज की फीस भरने के लिए मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है, वरना मेरी एक साल की मेहनत बर्बाद हो जाती। एक साल बर्बाद होने से कौन सी मुसीबत टूट पड़ती है? लेकिन एक बार खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई तो फिर हमारे पास बाकी क्या रहेगा? ए मैडम, ये क्या लफड़ा लगा रखा है यहाँ? चलो निकलो यहाँ से। ए मिस्टर, होश की दवा करो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक गरीब लड़की की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हुए? शट अप, यू शट अप। तुम तो इतने बड़े कमीने हो कि तुम्हारी अपनी माँ को भी नंगा करके इस बाजार में बेच दो। यू ब्लडी फूल। ए मैनेजर के बच्चे, तू चुप बैठ। कुत्ते, चलो सोना। क्या 500 रुपए एडवांस? लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं तुम्हें 500 रुपया क्या, मैं तुम्हें 5 फूटी कौड़ियां नहीं दूंगी। मालकिन, अगर मेरी दीदी की फीस ना भरी गई तो उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तेरे पूरे खानदान का ठेका ले रखा है? देख लड़की, मोटे मोटे आंसू यहाँ मत बहा। अगर नौकरी करनी है तो सीधी तरह कर, वरना अपना हिसाब किताब कर ले, समझी? सपना दीदी के कॉलेज की फीस भर जाएगी। आप चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। तुम झूठ बोलती हो। अभी अभी तुमने नोट उठाकर ब्लाउज में रखे हैं। उस दिन बाम की चोरी करने पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन रुपए पैसे की चोरी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। नहीं, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। मैंने ये पैसे अपनी बहन के फीस के लिए चुराए थे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 6 महीने की सजा होगी तुम्हें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। तो फिर जो मैं कहूंगा वो करोगी? क्या करना होगा मुझे? आओ बताता हूं। तुमने फिल्म इंसाफ का तराजू देखी थी? तब तो तुम्हें याद होगा राज बब्बर ने पद्मिनी कोल्हापुरे से अकेले कमरे में क्या करने के लिए बोला था। उसने तो उसे कपड़े उतारने को कहा था। तो समझ लो तुम पद्मिनी कोल्हापुरे हो और मैं राज बब्बर। तुम नहीं, नहीं। वही करोगी जो पद्मिनी कोल्हापुरे ने किया था? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मैं पुलिस को फोन कर ही देता हूँ। नहीं, पुलिस को फोन मत करिए। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी। तो फिर तुम अपने कपड़े उतारो। बढ़ेगी आबादी तो जाएगा।
लेकिन बेटी तू ये 400 रुपए लाई कहाँ से? हाँ विद्या, तू ये 400 रुपए लाई कहाँ से? दीदी तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? ये जो पैसे हैं इसे अपनी फीस भर दो और एक अच्छे से ड्रेस सिलवा लो। ड्रेस की पच्ची, पहले ये बता तू ये पैसे लाई कहाँ से? हाँ बेटी, तू ये रुपए कहाँ से लाई? कहीं तुझे मालकिन ने एडवांस तो नहीं दिया? हाँ माँ, मालकिन ने एडवांस दिया है माँ। एडवांस? इसका मतलब है तुझे कई महीनों तक पगार नहीं मिलेगी? इतना बड़ा बलिदान तूने मेरे लिए किया, तूने ऐसा क्यों किया बोल? पहले तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी और अंगूठा छाप रह गई, लेकिन मैं ये नहीं चाहती मेरी कोई भी बहन अनपढ़ रह जाए। मुन्नी, अच्छा बेटी तेरी नौकरी लग गई है? हाँ माँ, अब हमारे खानदान पर से दुख के बादल घट जाएंगे। अब ये लो माँ, मुंह मीठा करो। दीदी मुन्नी, मुबारक हो दीदी। सपना, माँ भगवान ने चाहा तो मैं अपनी सारी बहनों की शादी बड़े धूमधाम से करूंगी। भगवान तेरी इच्छा पूरी करे बेटी। भाई साहब टाइम क्या हुआ? 9 बजे हैं जी। 9 बज गए? ओह माय गॉड। एक्सक्यूज मी, क्या आप शहर की तरफ जा रहे हैं? जी हाँ। देखिए आज मेरी नौकरी का पहला दिन है, आधा घंटा हो गया अभी तक कोई बस नहीं आई। अगर मैं आज ऑफिस लेट पहुंची तो हो सकता है मेरा बॉस मुझे नौकरी से ही निकाल दे। सॉरी मिस, मेरे कसूल है, मैं लड़कियों को लिफ्ट नहीं देता। खैर आप निराश मत होइए, ये लो टैक्सी पकड़ के निकल जाओ। शुक्रिया, आप ये पैसे अपने पास ही रखिए। जानती हूँ मैं वापस क्यों आया हूँ? अपने उसूलों पे कायम रहने के लिए शराफत का खून करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें लिफ्ट ना दूँ, तुम देर से पहुँचो और तुम्हारी नौकरी चली जाए, मेरा ज़मीर ये कभी माफ़ नहीं करेगा। बैठ जाओ। थैंक यू सर। कौन से ऑफिस में नौकरी मिली है तुम्हें? भानु टेक्सटाइल्स, यादव चेंबर्स। अच्छा, भानु टेक्सटाइल, उसका मालिक भानु मेरा अच्छा यार है। इफ यू डोंट माइंड, कितनी तनख्वाह दे रहा है वो तुम्हें? 1760। साले की बनियागिरी की आदत अभी तक गई नहीं है। 2500 करवा दूं मैं? ये गाड़ी को क्या हो गया? लगता है इंजन खराब है इसका। क्या मुसीबत है। अरे अनवर। सलाम साहब। तुमने गाड़ी ठीक से मरम्मत नहीं की, लगता है इंजन में फिर कोई गड़बड़ है। अभी देखता हूँ साहब। मेरी गाड़ी कोई अजीब आदत है, पता नहीं क्यों हमेशा मेरे घर और गैरेज के सामने आके खराब हो जाती है। आइए जब तक ये ठीक करता हूँ मैं एक कप चाय पीने। जी घबराइए नहीं, आपको वक्त पे ऑफिस पहुंचाना मेरा जिम्मा है। आइए प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लो बेटा, हम रामू से कहने 2 कप चाय भेज दे। अच्छा सर। आइए। कैसा लगा आपको हमारा म्यूजियम?
कितनी गंदी तस्वीरें और मूर्तियां हैं। आशा जी, इंसान जब पैदा होता है तो नंगा ही होता है। ये गंदगी नहीं, खूबसूरती है, सच्चाई है, और सच्चाई से इंसान को भागना नहीं चाहिए। ये आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हाय, बड़ी भोली हो आशा रानी, इतना भी नहीं समझती। एक मर्द किसी औरत को अपने कमरे में बुलाकर दरवाजा क्यों बंद कर देता है? खैर छोड़ो इस दरवाजे को, तुम अपने दिल का दरवाजा हमारे लिए खोल दो। कसम तुम्हारे हुस्न की, हम अपनी तिजोरी का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देंगे। मिस्टर जेठा, मैं आपको एक शरीफ आदमी समझकर आपके घर में आने की गलती कर बैठी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे एक बेकार लड़की समझकर खरीदने की कोशिश करें। आपकी भलाई इसी में है कि आप दरवाजा खोल दीजिए, मुझे अपनी नौकरी पे जाना है। बेवकूफ लड़की, मेरी बात मान ले, तुझे तो क्या, तेरे खानदान में किसी को भी सात पुष्पों तक कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबरदार तू मुझे हाथ लगाया तो। नहीं, 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 मुझे जाने दो। कहाँ जाएगी? नहीं, 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 जेठा है। जेठा, अरे भेड़ा बोल, क्या है? हाँ सब ठीक है, क्या नाम से हो तू? अरे हाँ आशा, नहीं नहीं अभी नहीं आई। अच्छा ओके, पोत बना दो, वो बना दो, बाद में बोलूंगा। ओके, मे आई कम इन सर? यस कम इन। मेरा नाम आशा है। आशा, आई एम सॉरी आशा, ये नौकरी मैं तुमको नहीं दे सकता। लेकिन सर मेरा कसूर क्या है? देखिए मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, बड़ी तुम एक घंटा तो पहले ही लेट आई हो। सर आप जानते नहीं, मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजडी होगी है, एक बदमाश ने। देखो यहाँ बहाना वाना कोई नहीं चलेगा, बड़ी तुम जा सकती हो। I am sorry, Miss Asha. आपके लिए मेरे पास कोई जॉब नहीं, सॉरी। प्लीज सर मुझे कोई भी नौकरी दे दीजिए। आई एम सॉरी मैडम, आपने आने में देर कर दी, हम ये जॉब किसी और को दे चुके हैं। देखा तुमने आर के जेठा को इनकार करने का नतीजा, शहर के ऑफिस का हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, तुम्हारी भलाई इसी में के मान जाओ। बेबी इस थूक के छींटे जरूर तुम्हारे ऊपर उड़ेंगे, आई प्रॉमिस। क्या बात है बेटी, आज तो बहुत दुखी दिखाई दे रही है, लगता है आज फिर तुझे नौकरी नहीं मिली। राहु हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया, माँ लगता है मुझे इस शहर में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। ना ना बेटी, ऐसी अशुभ बात मुझसे मत निकाल, दिल छोटा मत कर, आज नहीं तो कल तुझे नौकरी मिल ही जाएगी। नहीं माँ, तुम्हारा ये सपना कभी नहीं पूरा होगा, मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाती हूँ
वहां मुझसे पहले मेरी बदनसीबी पहुंच जाती है। मां मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारी बेटी की काबिलियत को नहीं उसकी जवानी को देखा जाता है माँ, उसकी जवानी को। ये तो कैसी परीक्षा ले रहा है माँ। मैं जाती हूँ, घूम कर लाती हूँ। डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक तो है ना? हल्का सा दिल का दौरा है इन्हें, अनजाना, लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। मैं कुछ दवाएं और इंजेक्शन लिख देता हूं, आप इन्हें जल्दी मंगवा लीजिए। अब कितने की आएगी डॉक्टर साहब? यही कोई 150-200 रुपए की। पापू डॉक्टर साहब हमारे पास तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है, दवा कहां से लाएंगे? फिक्र मत कीजिए आप। ये लीजिए आप दवाएं, जल्दी लेकर आइए। थैंक यू डॉक्टर साहब, जल्दी जाइए। डॉक्टर साहब आप हमारे लिए भगवान हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो हम लोगों का फर्ज है। अब तेरे लिए दवा आ जाएगी, आ जाएगी तेरे लिए। आ गई परी। हट तेरी तो। अरे क्या हो गया लक्ष्मी? मेरी माँ बहुत बीमार है, एक साइकिल वाले ने मेरी सारी दवाइयाँ गिरा दी, अब मैं क्या करूँ गोपाल? कितने की दवाइयाँ थी? 160। 160? लेकिन मेरे पास तो 60 रुपए भी नहीं है। भगवान करे तुम्हारी माँ का साया तुम्हारे सर से कभी ना उठे। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। गोपाल जरा सुनो, एक दिन तुमने मुझे वो रास्ता बताया था जिस पर पर्स नोटों से भर जाता है, आज मैं उसी रास्ते पर चलने को तैयार हूँ गोपाल। नहीं नहीं लक्ष्मी, ये रास्ता तुम जैसी लड़कियों के लिए ठीक नहीं। बहस मत करो गोपाल, जल्दी चलो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो फिर चलो। बैठो। अब जरा पैरों पर करो। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? उतारो। देखो जितना ज्यादा तुम शर्माओगी ना तो तुम्हारा ही वक्त बर्बाद होगा। है? तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझसे मत शर्मा। ये बता दे ये लड़का तुझे पसंद है या नहीं? समझ गई, इसका मतलब है मेरी बन्नो के ये लड़का पसंद है। अब जटमंगनी पट ब्याह में जरा भी देने लगेगी, है ना?
आप हमारी कंपनी के पुराने मुलाजिम हैं जी, आपकी वफादारी की लोग कस्में खाते हैं। आपकी बेटी की शादी का मामला है लखपत राम जी, ये अर्जी मुझे कबूल करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। 25 मई की शादी तय हुई है, अभी तक कार्ड नहीं छपे हैं, कार्ड छपते ही पहला कार्ड आपको देने आऊंगा। आपको आना जरूर पड़ेगा मालिक है? अच्छा अब मैं चलूं, मेरी एक बेटी नीचे रिक्शा में अकेली बैठी है, शादी का सामान लेना है ना, है? अब आगे दीजिए मालिक। नमस्कार। नमस्कार। बाप जिसका नमक खाता है बेटी उसी को आंखें दिखाती है। क्या सोच रहे हो अरुण? आशा मैं सोच रहा हूं कि काश मेरी वकालत का रिजल्ट आज ही निकल आए। कल सुबह मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप से मिलने जाएं, कल दोपहर में हमारी शादी तय हो जाए और कल रात को ही हमारी सुहागरात हो जाए और परसों सुबह मैं आपके बच्चे की माँ बन जाऊँ। हाँ। लेकिन हजूर आपका ये सपना पूरा होने में बहुत देर है। क्यों क्यों? क्योंकि जब तक मेरी तीनों बहनों की शादी नहीं हो जाती तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अरे वाह रे ऊपर वाले, फौज तैयार करी तुम्हारे पिताजी ने और सजा भुगतना पड़ी मुझ गरीब को, ये कैसा इंसाफ है। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, एक अच्छी खबर है। क्या? मेरी बहन सपना की शादी तय हो गई है। Really? और आज ही मैं पिताजी के साथ जाके शादी का सामान और कार्ड बांटूंगी। शुभ विवाह का पहला कार्ड आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आइएगा जरूर, आपके आने से अफसर की शोभा बढ़ जाएगी। अच्छा तो आपकी बेटी का नाम सपना है? जी। ये वही लड़की है ना उस दिन आपके साथ उस रिक्शे में थी? नहीं सरकार, वो तो मेरी तीसरे नंबर की बेटी है। बेटी क्या सरकार, क्या बताऊं, कहती है जब तक मैं अपनी दोनों छोटी बहनों की शादी नहीं कर लूंगी मैं शादी नहीं करूंगी। पता नहीं भगवान कब सुनता है उसकी। अच्छा मालिक मैं उम्मीद लगाए रहूंगा, आइएगा जरूर। एक मिनट ठहरिए लखपत राम जी, ये 5,000 मेरी तरफ से अपनी बेटी को दे दीजिए। दे दूंगा मालिक, जरूर दे दूंगा, आपकी भी तो बेटी जैसी है। मैं चलूं मालिक। आप इस वक्त कहां जा रहे हैं? मैं सरकार तारदेव जाऊंगा। तारदेव जा रहे हैं? वहां रास्ते में मर्कल टैंक बैंक पड़ता है जी, ये कंपनी के 1,00,000 रुपए जमा करवा दीजिएगा। फौरन जमा करा दीजिए, मैंने चेक काटे हुए हैं, देर नहीं होनी। ना रखिए मालिक, मैं जमा करवा दूंगा। ये बैग मैं ऐसे ले जाऊं? हाँ ले जाइए। अच्छा मैं चलता हूँ सरकार। हेलो जग्गा। जग्गा आने वाला है वो भी। जग्गा आ गया साला बुड्ढा, चलो पीछा करते हैं। बोल क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं नहीं मानता कि आप जैसे तजुर्बेकार आदमी के हाथ से कोई 1,00,000 रुपए छीन के ले जाए। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मैंने बरसों आपका नमक खाया है, मेरी यह हालत और मेरा ये खून मेरी सच्चाई के गवाह है मालिक। लखपत राम जी, इस बुढ़ापे में अपने मुंह पे कड़क थोपते आपको शर्म नहीं आई? अगर बेटी की शादी में कमी पड़ गई थी मुझसे कहा होता, ये लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? मालिक आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तो और क्या करूं लखपत राम, तुम्हें हार पहनाऊं, आरती उतारूं तुम्हारी? वो 1,00,000 रुपया हराम की कमाई नहीं थी जो मैं भूल जाऊं, मेरे खून पसीने की कमाई थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल 24 तारीख तक रुपया मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। और फिर 25 तारीख को तुम्हारी बेटी की डोली नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकलेगा। ऐसा मत कहिए मालिक, ऐसा मत कहिए, मैं गरीब जरूर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ मालिक, मैं बेईमान नहीं हूँ। दफा हो जाए यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मेरा विश्वास कीजिए मालिक, मेरा विश्वास कीजिए,
मैंने गबन नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं की है मालिक, मैंने चोरी नहीं की है, मुझ पर ध्यान दीजिए। बस जग्गा, ये लो तुम्हारी हड्डी। अब वो पंजे मारने वाली बिल्ली आशा तुम हिलाते हमारे पास चली आएगी। वो लाख रुपया हराम की कमाई नहीं थी जो मैं भूल जाऊं, मेरे खून पसीने की कमाई थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल 24 तारीख तक रुपया मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। और फिर 25 तारीख को तुम्हारी बेटी की डोली नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकलेगा। ऐसा मत कहिए मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं गरीब जरूर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ मालिक, मैं बेईमान नहीं हूँ। अब और कोई सहारा नहीं है, सिर्फ इस जहर का सहारा है, इस जहर का सहारा है। तू ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? मुझे मर जाने दे बेटा, मेरा मर जाना ही अच्छा है। अब मैं क्या करूंगा जी के? मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ बेटा। अब मेरा मर जाना ही अच्छा है बेटा, मेरा मर जाना ही अच्छा है। हाँ हाँ, मर जाइए, मर जाइए पिताजी। लेकिन ये जहर पहले हम पांचों बहनों को पिला दीजिए, फिर माँ को पिला दीजिए, और फिर खुद पी लीजिए। बेटा तू नहीं जानती, बेटा तू नहीं जानती, मैं एक बहुत अजीब किस्म की मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मे आई कम इन सर? कम इन। हाँ, मैं इसमें चौंकने की क्या बात है आशा रानी? अब समझी, तुमने जानबूझ के मेरे पिताजी को अपनी गंदी चाल का निशाना बनाया। चाले ना चलूं तो जिंदगी की शतरंज की बाजी कैसे जीतूं? तो यार मैंने बॉम्बे में गंजे को कंगा और अंधे को चश्मा ना बेचा होता तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर लेता? लेकिन मेरे पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस गरीब ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हाँ तुम्हारे सलोने रूप ने मेरा चैन ईमान मेरा सब्र करा। सुनाएगा ना, सब कुछ छीन लिया है। मेरी बात मान लो, वरना कल शाम को 5 बजे एक तरफ तुम्हारे बहन की बारात आ रही होगी और दूसरी तरफ गबन के इल्जाम में तुम्हारे पिता की गिरफ्तारी को कोई नहीं रोक सकेगा। ठंडे दिमाग से सोच लो, कल शाम 4 बजे तक या मुझे मेरा लाख रुपया वापस चाहिए या तुम चले आना। ये सौदा मेरे बंगले पे होगा। आशा की आंखों में निराशा। मैं जानता हूं थूक कर चाटना जरा मुश्किल होता है, बट आई थिंक यू कैन डू इट। कमीने! कल शाम 4 बजे वो देखो बाबा, पुलिस। इंस्पेक्टर साहब, आप? मिस्टर लखपत राम आप ही हैं? जी, हम आपको गिरफ्तार करने आए। और क्यों? क्योंकि आप पर मिस्टर जेठा के 1,00,000 रुपए चोरी करने का इल्जाम है। ये, क्या ये सच है? तो यह है आपका असली रूप लखपत राम जी। एक चोर की बेटी के साथ मैं अपने छोटे भाई को कभी नहीं ब्याहूंगा। हम अपने देवर की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। सुनिए जी, चलो चलो। अमित, नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। Thank you.
था। आशा देवी, मैं जानता हूं जिंदगी के अहम फैसले करने में अक्सर देर लग जाती है, इसीलिए 5 बजने पर भी मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। शुक्रिया मिस्टर जेठा, आज तुम्हारा वक्त है, कर लो अपने सारे अरमान पूरे, कर दो मेरी इज्जत का दामन तार तार। लेकिन इतना जरूर याद रखना, एक अबला की हाय बड़े बड़े राजाओं के महलों को मिट्टी के ढेर में बदल देती है। अरे वाह, बहुत खूब। अरे तुम तो बिल्कुल किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह डायलॉग बोलती हो। अच्छा बोलती हो, लगता है तुम्हारे लिए एक आध फिल्म बनानी ही पड़ेगी अपन को। लेकिन जाने मन, तुम ये नहीं जानती कि उल्टे घड़े पर पानी डालना व्यर्थ है, सबका सब बह जाता है। मिस्टर आर के जेठा, तुम्हें अपनी दौलत पे बहुत घमंड है, और मुझे अपनी बहनों के लिए जिंदगी की खुशियां खरीदनी है, इसीलिए आज मैं तुम जैसे अय्याश के बाजार में अपनी इज्जत के अनमोल रत्नों का खजाना नीलाम करूंगी। खूब, और मुझे उम्मीद है तुम बढ़ चढ़ के बोली लगाओगे। अरे जाने मन, तुम तो दिखाओ बोली, हम ऑटोमेटिकली लगाते जाएंगे। ऐसे खूबसूरत रत्न तो किसी बादशाह के खजाने में भी नहीं होंगे। इन रत्नों की बोली लगाना इनकी तौहीन है। लेकिन आशा देवी, मेरी भी एक शर्त है, आज के बाद तुम ऑटोमेटिकली मेरी रहोगी, सिर्फ मेरी, और किसी बाजार में बिकने के लिए नहीं जा सकते। बोलो मंजूर है? मंजूर है। राजा मेरी बहू, पसंद बिल्कुल मेरी पसंद जैसी। सपना, क्या मैं चांद सा टुकड़ा सपने में तो नहीं देख रहा? मैं कितना खुशकिस्मत हूं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जीती रहो। जीती रहो। कैसी हो? ठीक हूं दीदी। हेलो हेलो,
जाने मन, जाने बहार, जाने तमन्ना आशा, जेठा है। ओ, सेठ जी। अरे यार, ये तुम सेठ जी कहती हो ना, तो एक मोटे बूढ़े खूसट बनिए की इमेज सामने आती है। अरे डार्लिंग कहो यार, बी मॉडर्न। हाँ, आप चाहते हैं कि आज भी मैं नाइट ड्यूटी करूं? अरे जाने मन, मैं तो चाहता हूँ कि तुम नाइट के साथ साथ डे ड्यूटी भी किया करो। ओके सेठ जी। आशा बेटी, भगवान तुम्हारे सेठ जी का भला करे जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी दी। तुम्हारे सेठ की कंपनी का नाम क्या है? जी जी, वो पन्ना लाल एंड कंपनी। कुछ भी कहो आशा, तुम्हारी जो कंपनी का मालिक है वो एक इंसान के रूप में देवता है। भाई देवता कृष्णा ये है कि उसने मेरा जेठा मल का लाख रुपए का लफड़ा खत्म करके मुझे जेल जाने से बचा दिया, और अब मैं आधी की बजाय पूरी सिगरेट पीता हूँ। मालकिन, आप यहाँ क्या बात है? आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। क्या बताऊं चक्कू, मेरे पूरे बदन में कुछ दर्द सा हो रहा है। जरा दबा दो ना। मालकिन, मैं सेठ जी का बदन दबाता हूँ, उनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाता है। मैं आपका भी बदन दबा देता हूँ, आप लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। भागे ना। लगता है सपना देख रहा था, पर हो सकता है कि लालाइन को सचमुच इतना दर्द हो रहा हो। चल जग्गू, उसकी तकलीफ दूर कर दे और साथ में अपनी भी। चल। मालकिन, एक क्या बात है? कुछ नहीं मालकिन, मैं वैसे ही रात को उठा था पानी वानी पीने के लिए, तो खिड़की में से देखा कि आप जाग रही हैं, तो सोचा कि पूछूं कि बात क्या है। वैसे मालकिन, इतनी रात हो गई है, लाला जी भी सो चुके हैं और आप अभी तक जाग रही हैं। खैर कोई बात नहीं मालकिन, लाला जी सो रहे हैं तो उनको सोने दो, हम तो जाग रहे हैं। हाय, मैं मर जाऊं। हराम सादी तेरी। क्या मजाल? मुझे थप्पड़ मारा। मुझे थप्पड़ मारा। कौनी? मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेद नहीं कर सकता मालकिन, मैं उसमें छेद नहीं कर सकता। नहीं, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये कमीना तो। लाला जी लालाइन जबरदस्ती हमारे कमरे में आ गई और हमसे बाप करवाना चाहती थी लाला जी, मगर हमने साफ इनकार कर दिया। हमने आपका नमक खाया हुजूर, नमक खाया लाला जी। ये कमीना झूठ बोल रहा है। नहीं, तू झूठ बोला है। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। एक बच्चा ना औरत तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है। नहीं, मेरा, मेरा...
मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूँ। गलती मेरे से हो गई। अरे पैर की जूती ने उठा करके सर पे राख ली हो तो, अरे एक वैश्या भी होगा ना, अरे वो भी सती सावित्री को नाटक नहीं करे। अरे तू तो कल मुई है, निकल मारे घरों। अरे थन्ने ऐसा ही जवानी का खुमार था तो मेरे से शादी क्यों की? अरे जहरीली नागन, जिसने को मैं ही मिला था थन्ने। कल मुही मुंह काला कर, सड़क की धूल सड़क पर ही ठीक लागे। चल मैंने दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। उस 2% की नौकर की ये मजाल कि वो मेरी बहन पे इतना घिनौना इल्जाम लगाए। तुम अपने आंसू पोंछ लो दीदी, क्योंकि अब उस कमीने की रोने की पारी है। सस्ती मिले तो माझे धंधे ची बहुन कर दे, माल रस्ते का सस्ती मिले माझे धंधे ची बहुन कर दे।
सस्ते मिले हमारे धंधे ची बहुन कर दे माल रस्ते का सस्ते मिले माझे धंधे ची बहुन कर दे रानी मेरी अच्छी रानी मच्छी रानी मेरी फिश फ्राई मेरा नाम जग्गू है तेरा नाम क्या है जगिया जगिया हाँ अरे जगिया तेरी शक्ल तो कुछ जानी पहचानी लगती है याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है कहाँ देखा है? अरे काय को पंकज कर रेला रे अपन को तो किधर इसने देख रेला होगा अपन अभी तो इधर की बस्ती में रहने को आई पर अपन तेरे को बराबर जानता है क्या तू लाला पूरन मल के वहाँ काम करता है ना आइला बॉडी भी दी तो तेरी बड़ी मस्त है रे अरे तू भी तो कुछ कम नहीं है रे भरपूर मदमस्त जवानी अरे बंकस एक साथ दो दो औरतों पे लाइन मारे लाए क्या दूसरी औरत यहाँ कौन है किधर है अरे अपुन ने तो बस्ती वालों के मुंह से सुना कि तू लाला की नई नवेली दुल्हन पे लाइन मारे ला था अरे मेरे लाइन मारने से क्या होता है लाला की बीवी तो बड़ी सती सावित्री थी वो पट्टी तो पुट्ठे पे हाथ भी नहीं फेरने देती थी लेकिन मैंने भी बदला ले ही लिया अच्छा वो कैसे मैंने लाला के सामने ये साबित कर दिया कि उसकी बीवी मुझ पे पट्टू डालती है बस लाला ने उसे बच्चा जाके धक्के धक्के घर से बाहर निकाल दिया मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा रे अरे मैं तेरे जिस्म से तेरी साजन छीन लूंगा अरे कमीना है तू अजी वो तो कमीना है ही पर मैं उससे कम कमीनो नहीं हूं जी मैंने आपकी जवान बहन से शादी की इस बुढ़ापे में अजी आपके बाप की मजबूरी का फायदा उठाया मैंने आपके बाप की गरीबी अपनी बेटी को लाल जोड़ा तो दे नहीं सकी अजी लाल कफन में इस खुसड़ के साथ दफना दिया अजी जब मैं ऊपर जाऊंगा भगवान के पास मुझसे पूछेगा कोई अच्छा कर्म किया मैं कहूंगा जी आखिरी सांस में राम नाम लेना था और मैंने आपकी बगिया से कच्ची कली तोड़ ली पर प्रभु मैंने माफ कर दो वो कली मैंने वापस आपकी बगिया में लगा दी हाँ जी मैं आपकी बहन की दोबारा शादी करूंगो और उसकी डोली अपने घर से पहुंचाऊंगो अपने कंधे पे ले जाऊंगो मैं अपने कंधे पे उसकी डोली लेकर के मैं जाऊंगो उसकी शादी रचाऊंगो मैं वंडरफुल माय बॉय टाइपिंग में तुम्हारी स्पीड शानदार है और खेल कूद और नाच गाने में भी काफी सर्टिफिकेट हासिल किए हैं गुड थैंक यू सर इससे पहले कहाँ काम करते थे जी अपना खुद का एक टाइपिंग का बाकड़ा था म्युनिसिपैलिटी वाले उठाकर ले गए ठीक है हम तुम्हें नौकरी देंगे थैंक यू सर 1400 तनख्वाह चलेगी जी जी थैंक यू वेरी मच अरुण आज शाम हम अपने बंगले पे एक पार्टी दे रहे हैं क्योंकि इस साल हमारी कंपनी ने बड़ा तगड़ा मुनाफा किया है तुम वहां आ जाना और जरा मेहमानों की आवभगत में मेरा हाथ बटा देना तुम्हें कोई एतराज तो नहीं जी नहीं सर ये मेरी खुशनसीबी होगी ओके गुड लक बाय थैंक यू सर वाओ Fantastic.
जाने मन आज अपने आप को इस तरह सजाओ कि सारी पार्टी की रौनक तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाए। मैं आई कम इन सर। कम इन सर। नीचे पार्टी में मिस्टर मेहता आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। अरे अरुण इनसे मिलो। यह है मिस आशा, आज की पार्टी की खास मेहमान, हमारी जाने मन और बहुत जल्द तुम्हारी मालकिन बनने वाली हैं। नमस्ते। ओके डार्लिंग, मैं इधर नीचे चल रहा हूँ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, तुम तैयार होकर आ जाओ और बिजली गिरा देना। सुनो अरु। बस आशा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बरसों से चली आ रही अमीरी और गरीबी की जंग में आज फिर अमीरी ने गरीबी को शिकस्त दी। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। नहीं अरुण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कल तक जो एक लड़की हमारे घर के बर्तन साफ करती थी, उसे हम अपने घर की बहू बना लें, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। तो फिर जरा अपने लाडले बेटे को बुलाकर पूछिए कि उसने घर के बर्तन साफ करने वाली नौकरानी की इज्जत क्या सोच के लूटी थी। क्या बकवास कर रही हो, मेरा खून इतना गली नहीं हो सकता। विनोद। हाँ पापा। इधर आओ। विद्या की बहन तुम्हारे और विद्या के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कह रही है, क्या ये सच है? अपने खून के बारे में अब आपकी क्या राय है? अरे जवान खून है, होगी होगी नादानी, और ये लो उस नादानी की कीमत। मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारे बेटे की नादानी की कीमत। अगर इसने मेरी बहन से शादी नहीं की तो मैं इसे जेल की हवा खिलवा दूँ। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे जेल की हवा खिलाने वाले, मगर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं किसी राह चलते भिखारी के साथ अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकता। भिखारी होगे तुम, मैं अपनी बहन के लिए तुम्हारे बेटे को खरीदने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या कीमत है तुम्हारे बेटे की? मैंने इस चेक पे साइन कर दिया है, तुम इसमें जितना पैसा चाहो भर सकते हो। मुझ पर अपनी दौलत का रौब जमाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मेरे नौकर तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाल दें, चुपचाप चलती बनो। चलिए तो मैं जाऊंगी, मगर इतना जरूर याद रखना, तुम्हारे घमंड के ताजमहल को चकना चूर कर दूंगी मिस्टर वर्मा। चलो विद्या। ठहरो विद्या। पापा इनके साथ साथ मुझे भी घर से निकाल दीजिए। विनोद ये क्या कह रहे हो? मम्मी पापा आप लोगों ने अपना फैसला कर लिया, अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं विद्या से प्रेम करने लगा हूँ, अगर आप विद्या से मेरी शादी नहीं करेंगे तो आपको अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। विनोद मेरे बेटे रुक जाओ, जैसे तुम चाहोगे वैसा ही होगा। हाँ हाँ मेरे बेटे, हर माँ बाप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। जाओ विद्या, इनका आशीर्वाद लो, सुखी रहो बच्चों। देखो सेठ जी, मैं 500 रुपए से एक पैसा भी कम नहीं लूंगी। कमाल है, और पिछले साल असी आए सी 100 रुपए च चंगी कुड़ी मिल गई सी, इन्हीं की महंगाई हो गई है कि तू 300 रुपए च नहीं मान रही। ओए साडा दिल तेरे ते फिदा हो गया कुड़िए, 500 रुपए की गल है? ऐला 500 रुपया आजा। दीदी चल। आशा काश तुम्हारा ये रूप देखने से पहले ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा ये रूप देखूंगी। और देवी जी तुसी साडे कबाब च हड्डी बन कित्थों आ गए हो? ज्यादा बकवास की तो पुलिस को बुला दूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे और फटो यहाँ से।
पुलिस। दीदी ये तुमने क्यों किया? क्यों किया? ठहरिए, उसे कुछ ना कहिए, कहना है तो मुझे कहिए। तुम कौन हो? मैं गंदी नाली का वो कीड़ा हूँ जिसने आपकी बहन को बर्बादी के गटर में फेंक दिया था। क्या मतलब? एक दिन ये अपनी माँ की दवाई लेकर जा रही थी, मेरे ही कहने पर एक साइकिल वाले ने इनकी सारी दवाई गिरा दी और ये बेचारी अपनी माँ को बचाने के लिए मेरी मीठी मीठी बातों के जाल में फंस गई। गोपाल तूने मुझे कहीं का नहीं रखा, भगवान तुझे इस कुकर्म की सजा जरूर देगा। भगवान ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है लक्ष्मी। कैसी सजा? आज तक मैंने दूसरों की बहन बेटियों को बर्बादी के अड्डे पर पहुंचाया, कल जब मैंने अपनी ही बहन को उसी अड्डे पर देखा तो मेरे होश उड़ गए। कुछ लोगों ने उसे इस पेशे में डाल दिया और मैंने उसको बहुत मारा पीटा, जिसका नतीजा यह हुआ कि कल रात उसने आत्महत्या कर ली। मैं उसको इसी वक्त अपने हाथों से शमशान घाट पे चला कर आ रहा हूं। सुबह का भूला हुआ शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। मैं इस काबिल तो नहीं हूं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं लक्ष्मी का हाथ थामने के लिए तैयार हूं। अरे राजू। दीदी आप, मैं आप ही को तलाश कर रहा था। क्यों, क्या बात है? अरुण भैया को बचा लीजिए। क्या हुआ अरुण को? उसकी हालत बहुत खराब है, दारू पी कर उसने अपनी जिंदगी तबाह कर रखी है। अब हाल तो ये हो गया है कि वो दारू नहीं पी रहे, दारू उन्हें पी रही है। जल्दी कीजिए दीदी, वरना वो पी के मर जाएगा। हाँ हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो मैं पास्कल के अड्डे पे। ये भी खत्म हो गए। नहीं अरुण, अब तुम ये शराब नहीं पियोगे। छोड़ दो मेरी बोतल को। मैं तुम्हें ये जहर नहीं पीने दूंगी। अरे तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली है? अरे ये जहर तुम्हारी बेवफाई के जहर से कम जहरीला है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, चले जाओ यहां से और मुझे अपने हाथ पे छोड़ दो। जाओ। हाँ अरुण, माना कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर मैं इतनी कसूरवार नहीं हूं जितना कि तुम मुझे समझ रहे हो। सच कह रही है शमा, मेरा कसूर क्या है? परवाने के नसीब में जलना था, जल गया है। ठहरो अरुण, इसे पीने से पहले एक बार मेरी मजबूरी की कहानी सुन लो। मेरे सामने इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था अरुण, कि अपनी मोहब्बत का गला घोट दूं ताकि मेरे माँ बाप और बहनों की डूबती हुई नैया किनारे पर आ जाए। आशा, पहले मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता था, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी पूजा भी करूंगा। पूजा देवियों की होती है, वैश्याओं की नहीं। आशा। हाँ अरुण, अब मुझ में और एक बाजारू औरत में क्या फर्क है? मैं कीचड़ में गिरकर बैली हो चुकी हूँ। नहीं आशा, तुम कीचड़ में गिरने के बाद कमल के फूल की तरह खिल गई हो। मेरी नजरों में तुम गंगा जल से ज्यादा पवित्र हो। मैंने तुम्हें जो बुरा भला कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो आशा। एक शर्त पे मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, आज के बाद तुम ये शराब छोड़ दोगे।
जीने के लिए कोई ना कोई साथी तो होना चाहिए ना आशा। तुम चली गई थी तो इस शराब को साथी बना लिया था। तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओगे तो मैं ये शराब छोड़ दूंगा। अब बोलो क्या जवाब है, इस शराब को साथी बनाऊं या तुम मेरी साथी बनोगे? इस बात का फैसला करने से पहले मुझे किसी और का फैसला बदलना पड़ेगा। तो तुम आजाद होना चाहती हो? जाने मन, जो चिड़िया हमारे पिंजरे में एक बार फंस जाए, हम उसके पर इतने जरूर कतर देते हैं कि वो फड़फड़ा तो सके लेकिन कभी उड़ ना सके। मिस्टर आर के जेठा, शायद आपको मालूम नहीं, मैं किसी से प्यार करती हूँ और आज मैं आपसे अपने प्यार की भीख मांगती हूँ। चील के घोंसले में मांस तलाश करने की कोशिश मत करो आशा रानी। हम उनमें से नहीं है जो अपने घर का चिराग बुझाकर किसी और के घर को रोशन कर डालें। हम तुम्हें कभी आजाद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तुमने एक भूखे भेड़िए की तरह मेरी अखिली जवानी को जी भर के लूटा, नोचा, खसोटा और अब इस उजड़ी हुई जवानी में कोई भी ऐसा फूल नहीं है जो तुम्हारी बिसर की सेज को महका सके। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अब अपने खेलने के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीद लो। वैसे तो हमारी जिंदगी का दस्तूर है कि हम एक जाम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कसम तुम्हारे हुस्न की, तुम्हारी जवानी में न जाने क्या कशिश है, कई बार पीने के बाद भी इस जाम को बार बार पीने को दिल करता है। लेकिन एक बात याद रखना शरानी, इस जाम को हमारे सिवा कोई और मुंह लगाए ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिस्टर आर के जेठा, तुम वो पत्थर हो जिससे टकराकर मेरी हर फरियाद वापस लौट आई, इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने कोई फरियाद नहीं करूंगी और जिसे मैं चाहती हूँ उसी से शादी करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। फैसला करने में इतनी जल्दी मत करो आशा रानी, जरा इन्हें देखो। हाय जाने मन, क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद तुम्हारा आशिक एक सेकेंड हैंड महबूबा की मांग में सिंदूर भरेगा? तुम्हारी ये घिनौनी हरकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरा आशिक तुम्हारी तरह मेरे जिस्म से नहीं बल्कि मेरी रूह की गहराइयों से प्यार करता है। और ये भी सुन लो, मैं उससे अपने बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। चलो मान लेते हैं तुम्हारा ये बेवकूफ आशिक ये सब जानने के बाद भी तुमसे शादी कर लेगा, लेकिन क्या उसके माँ बाप इन तस्वीरों को देख के तुम्हें बहू मान लेंगे? खैर उन्हें छोड़ो, अपनी उस बूढ़ी माँ के बारे में जरा सोचो जो बेचारी दिल की मरीज है, क्या इस छटके को बर्दाश्त कर लेगी? नहीं आशा रानी, नहीं, कभी नहीं। तुम अपनी माँ के कफन से अपने सुहाग का जोड़ा नहीं सिला सकती। खैर छोड़ो ये शिकवे शिकायत, होते रहेंगे। जाने मन, कुछ दिनों के लिए हांगकांग जा रहा हूं, आज से ही सबसे पहले तुम्हारा दीदार होना चाहिए। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। अरे क्या हुआ पिताजी? कल हांगकांग जाने वाली फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया, उसमें तो हमारे मालिक जेठा साहब भी थे। क्या आशा अब तो अरुण से शादी कर सकती है? सच?
हाँ अरुण, हमारे रास्ते का कांटा निकल गया। अब हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता। एक खुशखबरी मैं भी तुम्हें देना चाहता हूँ आशा। मैं LLB के इम्तिहान में फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। ओ अरुण। हाँ आशा। समधन जी, फेरों की रस्म तो पूरी हो गई, अब विदाई की रस्म पूरी कीजिए ना। अरे बहन जी, विदाई का समय तो होने दीजिए। ओ आशा, तुम्हारा फोन है। ओ अच्छा, माँ जी मैं अभी आई। अच्छा, भगवान ऐसी बेटी सब किसी को दे। चार चार बहनों की शादी के बाद ही आशा ने अपनी शादी की है। हेलो, कौन है? तुम्हारा चाहने वाला जेठा। उसके अलावा और कौन हो सकता है? लेकिन आपका तो प्लेन। अफसोस हुआ तुम्हें? अरे जाने मन हवाई जहाज हादसे का शिकार जरूर हुआ, लेकिन हमारी किस्मत में जिंदगी लिखी थी और उसी किस्मत ने हमारे बेचारे सेक्रेटरी को मौत का टिकट दे दिया। आखिर छोड़ो इन बातों को और यहाँ चले आओ और हमारी सेज को अपने बदन की खुशबू से महका दो। नहीं, अब मैं तुम्हारी सेज को नहीं महका सकती जेठा सेठ। मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी के साथ, अग्नि के साथ फेरे ले चुकी हूँ। इसका मतलब है तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हारी शादी वादी को नहीं मानता। फौरन यहाँ चले आओ, वरना मैं वहां आकर तुम्हारी तकदीर में बदनामी के कीले ठोक दूंगा, समझी? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे मिस्टर जेठा, मैं खुद आपके पास आके बात करती हूँ। बाबा, नीच, तू मर चुल्लू भर पानी में। बाबा, मर गया तेरा पापा। मैंने तेरी और उस कमीने जेठे की सब बातें सुन ली है। अगर मुझे मालूम होता कि तू इस बुढ़ापे में मेरी इज्जत सरेआम नीलाम करेगी तो मैं तुझे पैदा होते ही मार देता, तुझे पैदा होते ही मार देता। अपने बूढ़े बाप के मुंह पर कालक मलते हुए तुझे लाज नहीं आई? बोल बोलती क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं? और मारो, मैं इसी काबिल हूँ। मेरा गला घोट दो, आपको तो पूरा हक है क्योंकि आप मेरे पिता हैं। अब आप ही को मुझे इस पाप की भरी हुई दुनिया से मुक्ति दिलवानी होगी। बाबा बाबा, हम सब बहनों को मार डालो, मुझे ही नहीं लक्ष्मी को भी मार डालो। उसने माँ की जान बचाने के लिए अपनी जिस्म का सौदा किया। हाँ बाबा, विद्या को भी मार डालो, उसने सपना की कॉलेज की फीस देने के लिए खुद को बेच डाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तू क्या कह रही है, तू क्या कह रही है? मैं आपको जिंदगी की सच्चाइयों की कड़वाहट बता रही हूँ। अगर मैं जेठा की हवस पूरी नहीं करती तो वो आपको जेल भिजवा देता और सपना की डोली कभी नहीं उठती। बेटा, पाप मैंने किए और फांसी पे मेरी फूल सी बच्ची चढ़ गई। मैं कितना बदनसीब हूँ बेटा, लेकिन लेकिन अब तो फिक्र ना कर, मैं हूँ ना, अब मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। नहीं बाबा, मैं उस शैतान की चुंगल में इस बुरी तरह फंस गई हूँ कि अब मैं कभी आजाद नहीं हो सकती। ओ, ओ। मुझे इसी वक्त उसके पास जाना होगा और अगर मैं वहां नहीं गई तो वो यहाँ आके सबके सामने आपकी पगड़ी उछाल देगा और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। बेटा, तीन जगह देगी तुझको।
दुल्हन तुम आ गई आशा रानी है? आशा रानी, मैंने पहले भी तुम्हें एक बार कहा था कि चील के घोंसले में मांस तलाश करने की कोशिश मत करो, लेकिन तुम नहीं मानी है। जेठा साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैंने पवित्र अग्नि के सामने अपने पति के साथ साथ फेरे लिए, अब मैं उनकी अमानत बन चुकी हूँ। अमानत तो तुम मेरी हो आशा रानी, लेकिन तुमने उसमें खयानत की। मैंने तुम पर ढेरों रुपया लुटाया, तुमने अपने तीन बहनों की शादी रचाई, और आज जब मतलब निकल गया है तो अपना संसार बसा लिया। मिस्टर जेठा, आपने अपने पैसों की एवज में मेरे शरीर से अपनी पूरी कीमत वसूल की, अब ये लाश आपको कोई सुख नहीं पहुंचा सकती, मगर एक ऐसा फरिश्ता है जो इस लाश को अपनी जिंदगी बनाना चाहता है। देखो आशा रानी, जेठा को फरिश्ता बनने का कोई शौक नहीं है, वो तो अपनी शैतानी में ही मस्त है। नहीं कुत्ते, मैं मर जाऊंगी मगर इस सिंदूर की लाली को अपवित्र नहीं होने दूंगी। कमीने, आग रात मनाएगी है? नाम है आशा। आशा मेरी बेटी है, ये इसकी शादी हो रही है। मैं आपको जेठा सेठ के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। ये झूठ है इंस्पेक्टर, मैंने सेठ जेठा का खून नहीं किया। झूठ मत बोलो, सेठ जी के नौकर ने तुम्हें खुद खून करके घर से बाहर निकलते हुए देखा है। और दूसरा सबूत तुम्हारे कान का ये झुमका है जो लाश के पास पड़ा हुआ पाया गया। और तीसरा सबूत तुम्हारी साड़ी से मैच करता हुआ ये ब्लाउज का टुकड़ा है। नहीं, मेरी बेटी निर्दोष है, मेरी बच्ची की खुशियां मत छीनो इंस्पेक्टर, एक माँ की ममता पर रहम करो। हम मजबूर हैं भाई जी, हवलदार हथकड़ी पहनाओ। रुक जाओ इंस्पेक्टर, रुक जाओ। Thank you.
सेठ जेठामल का खून मैंने किया है। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, मेरे पिताजी मुझे बचाने के लिए ये खून का इल्जाम अपने सर पे ले रहे हैं। मैं इकरार करती हूँ मैंने सेठ जेठा का खून किया। इंस्पेक्टर, ये मासूम बच्ची अपने बूढ़े बाप को नहीं फांसी से बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर पर ले रही है। खून मैंने किया है। नहीं, तुम उसका सबूत देखना चाहते हो तो ये है, ये है उसका सबूत जिससे मैंने उस दरिंदे को खत्म किया। ये है उसका सबूत, ये है उसका सबूत। आप जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ और क्यों कर हुआ? तो सुनिए, जब मेरी मासूम बच्ची ने इन्हीं मेहंदी भरे हाथों से उस दरिंदे को फूलदान मारकर बेहोश किया और अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागी, उसके बाद मैं वहां पर गया और देखा। उठ कुत्ते, उठ, उठ, आज तेरा आखिरी वक्त आ गया है, उठ। एक एक गुनाह का हिसाब देना होगा, एक एक गुनाह का। नहीं लखपतराम, नहीं, मुझे माफ कर दे लखपतराम। नहीं, मैं तुझे ढेरों पैसे दूंगा, मुझे माफ कर दे। तू माफी के लायक नहीं है, तू माफी के लायक नहीं है। पैसे देगा, तेरी गरीबी का फायदा उठाकर तूने मेरे खानदान का मुंह काला किया। उसे पैसे से ना जाने कितनी मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करेगा, कितने घर तबाह करेगा। तू माफी के लायक नहीं है, तू माफी के लायक नहीं है शैतान। शैतान, दरिंदे, मैंने एक शैतान को मार दिया, मैंने आज एक शैतान को मार दिया। मैंने एक शैतान को हमेशा हमेशा के लिए मार दिया है। भगवती चली गई, तू भी नहीं। चली गई ना नहीं। इस हत्यारे का साथ छोड़कर बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। मैं इसी लायक हूँ, मैं इसी लायक हूँ भाग्यवती। ये कैसी बधाई है, दुनिया में माँ बाप अपनी बेटी को डोली में बिठा कर विदा करते हैं और मैं कैसी अभागिन हूँ कि अपने माँ बाप को विदा कर रही हूँ। माँ, तुमने तो मौत का कफन पहन लिया और ये पुलिस वाले बाबा को भी ले जाएंगे। मेरे सर पे एक खून नहीं, सात खून है, सात। उस दरिंदे जेठे का खून, अपनी बीवी का खून और ये मेरी पांचों बेटियां मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हैं। मुझे कानून से कहकर ऐसी खौफनाक सजा दिलवाइए कि जिसे देखकर दुनिया वाले ये सबक सीखें कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। जो लोग बेटे के लालच में बेटियों की लाइन लगा लेते हैं और ये नहीं समझते कि उसका अंजाम क्या होगा। इंस्पेक्टर, मेरी जवानी का सबसे बड़ा गुनाह यही है कि मैंने अपने और अपने परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और परिवार नियोजन का पालन नहीं किया।
और आज इनकी बर्बादी का जिम्मेदार बना हूँ। मुझे ले चलिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे ले चलिए। हथकड़ी पहना दो। बाबूजी मुझे माफ करना बच्चों, इस गुनहगार को माफ करना।